अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज अपने किचन में बनाने जा रही हूँ दही फुलकी, यानी फुलकी जो दही दही फुलकियों में जो फुलकियाँ डलती हैं फुलकी आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम लेंगे एक अदद बाउल। तो इस बाउल में हम ऐड करेंगे, तकरीबन मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कप बेसन। तो एक चीज़ याद रखनी है आपने कि आप इन दही फुलकियों को जो है वो बनाकर इजीली फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 हफ्ते के लिए तो आराम से आप इसको स्टोर कर सकते हैं। एक दफ़ा बनाएं और बनाकर पूरा रमज़ान इसको इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पे क्वांटिटी कम रख रही हूँ, आप जो है वो इसको डबल भी कर सकते हैं। तो ये मैदा जो है वो छाना हुआ है, मैदे को छाना, मैदा और सॉरी बेसन उसको छाना लाजमी करें। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 1/2 जो है वो बेकिंग पाउडर। और इसमें हमारे कुछ मसाले जाएंगे, जिसमें है 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ही सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 चुटकी अजवाइन। ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। आप कोई भी चीज़ बनाया करें, डरा मत करें, ट्राई किया करें। कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता है, प्रैक्टिस ही करेंगे तो आप लोग परफेक्ट होंगे। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, सीख रही हूँ, साथ साथ आपको सिखा रही हूँ। कोशिश करती हूँ कि जो कुछ भी बनाऊँ वो इजी वे में आपको सिखाऊँ और आप लोग इजीली उसको बना सकें। जितनी क्वांटिटी में मैं ये बना रही हूँ ये भी बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, तो आपकी मर्ज़ी। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो आप 1.5 कप बेसन की जगह जो है वो 3 कप बेसन ले लें और क्वांटिटी चीज़ों की डबल कर दें। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता से इसके अंदर पानी ऐड करना है और एक स्मूथ सा बैटर रेडी कर लेना है। ये देखें, नॉर्मल टैप का वाटर लेना है, कोई आपने ठंडा पानी नहीं लेना, ना ही आपने कोई नीम गर्म पानी लेना है। नॉर्मल जो आपका रूम टेम्परेचर वाटर होता है आपने वो लेना है। अगर ये देखें, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है और एक स्मूथ बैटर बनाना है। हार्ड बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसके अंदर ये जो लम्ब्स होते हैं, यानी जो गुठलियाँ हैं, वो भी नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए अभी ये हार्ड है, तो हम थोड़ा सा पानी और इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये मैं ओवरऑल आपके सामने मिक्स कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो किस तरह की होनी चाहिए। दही बूंदी की रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। बूंदी थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में बनती है और फुलकियाँ थोड़े और तरह से बनती हैं, तो उसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा अगर आपको दही बूंदी चाट की आपने रेसिपी नहीं देखी है। तो ये हम बना रहे हैं, तो ये देखें ये कितना स्मूथ सा बैटर हमारा रेडी हो गया। ये देखें इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे, तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। तो 5 मिनट के बाद फिर हम इसको फ्राई करके इसकी फुलकी तैयार करेंगे। मिलते हैं 5 मिनट्स के बाद। तो अब यहाँ पे हम फ्राइंग का काम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो ऑयल लिया है इसको हमने डीप फ्राई करना है, तो ऑयल हमने खुला लेना है। तो अब शुरू करते हैं। तो अगर आपके पास मोटे सुराखों वाली छन्नी है तो आप उसके ऊपर डाल के जिस तरह मैंने बूंदी बनाई थी उस तरह बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिखाऊंगी स्पून की मदद से। पहले हम एक छोटा सा डाल के देखते हैं कि हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है कि नहीं। तो ये देखिए ऑयल हमारा ऑलमोस्ट गर्म हो गया है। अब हमने जल्दी जल्दी जो है वो अपने स्पून की मदद से मैं इसको ऐड कर लूँ। ज़रूरी नहीं होता कि हर एक के पास मोटी दानों वाली जो सुराखों वाली छन्नी मौजूद हो, तो परेशान नहीं होना। तो ये देखें आप इस तरह से चम्मच की मदद से भी बना सकते हैं। अगर आपके पास केचप बॉटल है तो उसमें डालें, उससे बना लें। तो यहाँ पे मैं आपको ये इजी वे बता रही हूँ।
कि अगर आप बनाना चाहें तो ये भी इस तरह भी बना सकते हैं। तो ये देखें कैसे फूल फूल के ऊपर आ रही हैं। एक ही दफ़ा बनाएं, रख लें और जब ज़रूरत हो निकाला, पानी में इसको डाला और इस्तेमाल कर लें। ये देखें मैं ये डालती जा रही हूँ, जो जो स्पेस बच रही है वहाँ वहाँ पर मैं इसको ऐड कर रही हूँ। बस फुल आंच के ऊपर, फुल फ्लेम है हमारी, मीडियम नहीं है, लो नहीं है, बिल्कुल हाई फ्लेम के ऊपर हमने इसको कुक करना है। अभी ये कच्चे हैं, इनको फ़ौरन से आपने हिलाना भी नहीं है। तो ये देखें जिस तरह ही आपको लगे कि थोड़े से पकने की फॉर्म में आ गए हैं तो तब आप इसको टर्न करेंगे। तो हम इसको टर्न करेंगे क्योंकि फिर ये टूटेंगे वरना ये टूट जाएंगे। हाथों से टर्न करेंगे और जिस तरह ही ये इनका कलर ब्राउन होगा हम इनको निकाल लेंगे। मैं दिखाऊंगी कि मैंने जितनी क्वांटिटी में बनाए हैं उनके कितने बने हैं और आप कितने लॉन्ग टाइम के लिए, अगर आपकी फैमिली बड़ी है या छोटी है, आप कितने टाइम के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरह ये गोल्डन ब्राउन होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए स्टिल अभी तक पक रहे हैं, तकरीबन एक मिनट से दो मिनट हो चुके हैं, तो ये अभी तक इसको कलर नहीं आया। आपने फ़ौरन इसको निकाल नहीं लेना क्योंकि अगर आप निकाल लेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं होंगे, ये सॉफ्ट होंगे, तो हमने इन्हें क्रिस्पी करना है। तो फुल हाई फ्लेम पर ये पक रहे हैं, तो इनको जैसे ही एकदम से तेज़ कलर होगा तो हम इनको निकाल लेंगे। ये देखें आवाज़ से ही आपको पता चलेगा कि ये सॉफ्ट है या क्रिस्पी हो रहे हैं। तो ये देखें इनका कलर एकदम से ब्राउन होने लग गया है और इसको उठाकर पता चल रहा है कि ये क्रिस्पी हो चुके हैं, जिनमें से आवाज़ आ रही है। ये देखें ऐसे आप इसको उठा के देखेंगे तो इसमें आवाज़ आपको महसूस होगी। फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम पे और इसको निकाल लेंगे। आप ये बनाए यकीन माने ये बिल्कुल बाज़ार जैसी बनती हैं, आपको बाज़ार से लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। थोड़ी सी मेहनत है और घर पर बनाया करें, साफ़ सुथरी चीज़ बनाया करें। तो ये देखें अच्छे से हम इसका जो ऑयल है वो निकाल देंगे और इसको मैं एक डिब्बे में निकाल दूँगी। आवाज़ आई आपको? बाकी के भी हम इसी तरह ही बना लेंगे, आपके सामने ही मैं बनाऊंगा। फ्लेम इस टाइम पे अब हमने लो कर, मीडियम टू लो पे कर देना है क्योंकि गर्म हो चुका है ऑयल। फर्स्ट हमने फुल फ्लेम पे बनाए थे क्योंकि उस टाइम पे ऑयल का जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है। देखिए कितनी जल्दी जल्दी ये बन रहा है, बहुत ध्यान से डालिएगा। जैसे आपको लगे कि इसका जो ऊपर का सरफेस है वो कम्प्लीट हो गया है तो आप इसको डालना भूल जाइएगा। देखिए हो गया है, तो फ्लेम हमारा इस टाइम लो टू मीडियम के ऊपर ही है, इसमें ये अभी इसी में ही फ्राई हो रहा है। तो जैसे ही होते हैं निकाल लेते हैं और इसी तरह मैं सारे बना लेती हूँ। तो ये देखें तैयार है हमारी मज़ेदार सी फुलकी, फुलकियाँ। ये बहुत देखें मैंने ये डेढ़ कप से किस कदर ज़्यादा मैंने ये क्वान्टिटी में बनाई है। तो इससे आप तकरीबन 4 से 5 दफ़ा तो आराम से अपनी चाट बना सकते हैं। तो मैं ये बहुत गर्म है तो ये मैं आपको यहाँ पे तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितनी क्रिस्पी है, बहुत क्रिस्पी बनी है। और जिस टाइम आपने बनाना है उस टाइम, उससे पहले आपने इसको पानी में सोक करके हाथों की मदद से पानी को निकाल के फिर आपने इसकी चाट बनानी है। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और इसको स्टोर किस तरह करना है, नॉर्मल आप इसको जिप लॉक बैग में भी डाल के रख सकते हैं और एयर टाइट कंटेनर्स, जिस तरह से ये एक कंटेनर है मैं इसमें डाल के रख दूँगी, इसमें डाल के भी आप आराम से फ्रिज में इसको रख दें। तो पूरा रमज़ान इसको बना एक दफ़ा बनाएं और पूरा रमज़ान में इसको इस्तेमाल करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ आपसे जल्दी मिलूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखें एक दफ़ा मैं आपको इसको क्रिस्प दिखाती हूँ। ये देखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।